दोस्तों, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400+ यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। और यही सब यूनिवर्सिटीज के बाद में एक नंबर आता है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो कि यूपी की कुछ अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें नाम आता है इस यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़े बड़े कोर्सेज जैसे कि MBBS और MD जैसे कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं। स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात दोस्तों आती है कि इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल क्या क्या है, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन करवाती है, साथ में ही जो अप्रूवल्स हैं उनके साथ साथ कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और किन कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी UGC पर कहां रैंक करती है, मतलब कि UGC पर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटी चलती है UGC के द्वारा ही चलाई जाती है, क्योंकि UGC रेगुलेट करता है सभी यूनिवर्सिटीज को और UGC को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब दोस्तों बात आती है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती हैं बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाकी दूसरी डिटेल से आपको नहीं मिल पाती है। सभी कुछ चीजें जानने के लिए श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी पर पहले भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई है और टाइम टाइम पर वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जैसे कब कब यूनिवर्सिटी के PhD के एंट्रेंस होंगे या फिर कौन कौन से नए कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के पास आए हैं और कोई भी किसी भी तरह के इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के तो हम उनको भी रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, 4 ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का। अब इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि अप्रूवल्स तो कई हैं, बट यूजीसी का अप्रूवल देखना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं उन सभी को रेगुलेट करता है UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही एक रेगुलेटरी बॉडी होती है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो UGC पर जाने के लिए आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। अब जैसे ही यहां पर जाएंगे तो यहां इंटरफेस खुलकर आएगा एक UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की साइट खुलने के बाद में जो ऊपर टैब बने हैं यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है नीचे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में टोटल जो स्टेट चलते हैं जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में उसमें उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर UGC से मान्यता प्राप्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको यहां पे दिखाएगा, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहां पर है, 28वें नंबर पर आप देखोगे श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का नाम यहां मेंशन किया हुआ है। अब यहां पर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो 2010 में बनी है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2010, और यहां पर UGC ने ऐसा कोई कमेंट भी नहीं डाला है कि आपको यहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी को UGC ने मान्यता दी है और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से अप्रूव्ड है। और बेहतर जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप यहां मोर डिटेल पर आप जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं तो मोर डिटेल पर क्लिक करने के बाद में यहां इंफॉर्मेशन आ जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन साहब है वो डॉक्टर सुधीर गिरी,
आप सीधा उनसे भी मिलें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, और साथ में ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब और जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है। अभी क्योंकि वीडियो बन रही है ये फरवरी 2023 में, और मैं आपको बता दूं कि अभी 2023 फरवरी में जो वाइस चांसलर साहब का नाम लिखा है डॉक्टर पी के भारती, नाम बदल चुका है, अभी नए वीर साहब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बट हाँ उनका फोन नंबर जरूर यहाँ मेंशन है, उनकी मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रार साहब कौन है इस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, और साथ में ही उनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है, और यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो है www.svu.edu.in। यही एक ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कोई किसी भी तरह से कहीं और आपका कोई स्टेटस चेक करवाए या कहीं और से स्टेटस चेक करके आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यूजीसी ने जो वेबसाइट मेंशन की है यही एक ओरिजिनल वेबसाइट है। दोस्तों आप सभी जितने भी कंसल्टेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लिंक करना, आप स्टूडेंट्स देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कनेक्ट होना चाहते हैं, लिंक होना चाहते हैं, इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको यूनिवर्सिटी से लिंक करा देंगे। श्री वेंकटेश्वरा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट है, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और सीधा आप यूनिवर्सिटी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हो सकता है हम आपकी मदद कर सकें, चाहे आप फिर कंसल्टेंट्स हो चाहे आप स्टूडेंट्स हो। ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजीसी पर अपडेट है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है। हालांकि कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, सभी कोर्सेज को हम बताएं इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर हम बताएंगे अभी जो मेजरली जो कोर्स चलते हैं जिसमें ज्यादातर आप हमसे सवाल पूछते हैं। हालांकि सवाल तो आप अलग अलग कोर्सेज जैसे कि WIP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में ही पूछते हो, CMSED कोर्स भी यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है, इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, BVOC भी है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं, बट मैं आपको बताऊं कि जो मेजरली कोर्सेज आप पूछते हो वो कौन कौन से, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन ले सकते हो, MD कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज आते हैं यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ले सकते हो, बट हाँ पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव नहीं है BPT, मैं आपको बता दूं, आप अगर फिर भी अगर हो सकता है कि अभी कोई अप्रूवल आया हो तो उस अप्रूवल को देख लें, आप देख के एडमिशन लें। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल जैसे कि B Pharmacy, D Pharmacy, M Pharmacy, ये कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जो इन कोर्सेज को करवाती है उसके पास PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए, जो इस यूनिवर्सिटी के पास काफी पहले से है। स्कूल ऑफ नर्सिंग, यूनिवर्सिटी से आप ANM GNM जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, साथ में BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ये कोर्स यूनिवर्सिटी के पास है और इसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल जो है अपने देश में उसका अप्रूवल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, बहुत टाइम से यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती आ रही है। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कर सकते हैं आप, जैसे MBA करना चाहें आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहें यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, हालांकि ICAR का यहाँ अप्रूवल चाहिए होता है, ICAR जो काउंसिल बॉडी बनती है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेती है, आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले मैंने कई बार आपको बताया है इन कोर्सेज को चलाने के लिए जितने भी इंजीनियरिंग टाइप के जो कोर्स होते हैं उनके लिए AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती है, बट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हैं कॉलेजेस को अप्रूवल होती है, तो यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा BTech MTech भी कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंसेज, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज आते हैं या सोशल साइंसेज में ले सकते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी BEd में एडमिशन लेती है, DLED भी होता है यूनिवर्सिटी के पास, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में, स्कूल ऑफ लॉ एंड जुरिसप्रूडेंस, दोस्तों लॉ के अंदर मतलब LLB आप करना चाहते हो, 3 साल की LLB करें, 5 साल की LLB करें या फिर आप LLM करें, उसके लिए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है किसी भी यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, 2017 या 16 में यूनिवर्सिटी को अप्रूवल आया था, तब से लगातार यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती आ रही है और अभी भी 2023 तक भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल इसका है। स्कूल ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइन, जैसे हालांकि बी डिजाइन पर मैंने वीडियोज बनाई है अपने इस चैनल पर, हालांकि सभी कोर्सेज पर मैंने वीडियोज बनाई है, बी डिजाइन काफी एक पॉपुलर कोर्स भी है और काफी स्टूडेंट्स करना भी चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वो कोर्स भी करवाती है। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी एडमिशन लेती है, स्कूल ऑफ योगा, योगा से रिलेटेड आप कोर्सेज करना चाहते हो कर सकते,
सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये कोर्स आपको बहुत कम जगह मिलेगा, यूनिवर्सिटी करवाती है इस कोर्स को भी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप सोच रहे हैं कि रेगुलर आपको कैंपस में रहना है, पढ़ना है, वही हॉस्टल को भी आपको यूज करना है, तो मेरी आपके सभी के लिए एक सजेशन है कि यूनिवर्सिटी को बिना विजिट करे आप एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। यूनिवर्सिटी को विजिट आप जरूर करें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन नहीं लेना चाहिए आपको, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कैंपस देखना चाहिए। हालांकि ये जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ये NH-24 जो दिल्ली से सीधा रोड जाता है मुरादाबाद के लिए, ऑन हाईवे यूनिवर्सिटी है ये, जैसे कि इसी लाइन में मोनार्ड यूनिवर्सिटी पहले आती है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है, IFTM यूनिवर्सिटी आगे आती है, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी भी आती है, पर ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अलग इसलिए भी बन जाती है, कैंपस बहुत बड़ा है, 2010 से यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती आ रही है और काफी बड़े बड़े कोर्सेज का भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। हालांकि डिस्टेंस के भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने चलाए थे अपने 19-20 में, अभी फिलहाल डिस्टेंस में एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। PhD में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, जब भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कंडक्ट होता है हम उस पर भी वीडियो लेकर आते हैं, उन वीडियोस को आप देखें तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। पहले भी हालांकि हमने PhD पर वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देखें, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या क्या है उन अप्रूवल्स पर, और साथ में जो और कोर्सेज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया उनके बारे में भी हम अलग से वीडियोस लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे। कोई भी किसी तरह के सवाल है आपके दिल में, एडमिशन आप लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी सवाल या कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें जो कुछ आते हैं एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।